जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में खासकर मैं बिगिनर्स के लिए बताने वाला हूँ, तो बिगिनर्स कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके भलाई के लिए है और हर एक बिगिनर्स के लिए तो है ही। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो हम बिगिनर्स लोग जब हम स्टार्टिंग करते हैं ड्राइंग, तो हमारा जो है 5 मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा मेन मिस्टेक है सभी बिगिनर्स का, वो करते ही हैं। और इससे जो है बहुत आर्टवर्क हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत देर हो जाता है, वही सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले जो पहला मिस्टेक है लोगों का, जो बिगिनर्स लोग हैं, तो उनका सबसे पहला मिस्टेक है शेडिंग में। तो शेडिंग में क्या करते हैं, क्रॉस शेडिंग करते हैं। जैसे कि हम अगर हमें स्मूथ स्किन टेक्सचर ड्रॉ करना है, जैसे इस तरह से है या फिर इससे भी अच्छा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं लोग जो है, क्रॉस शेडिंग करते हैं। ये क्रॉस शेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आपने इस तरह से शेडिंग किया है, उसके बाद आपने क्या किया, कहीं इस तरह से कर दिया और कहीं इस तरह से कर दिया, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये इससे ये करने के बाद क्या होगा, अब जब इसको ब्लेंड करोगे, ब्लेंड करने के बाद आपका जो है, आप जितना भी अच्छे से ब्लेंड करो, उसका जो है निशान आपके पेपर में जो है दिखेगा ही। इसलिए आप जिस डायरेक्शन ड्रॉ कर शेडिंग करते जा रहे हो, उसी डायरेक्शन से ही शेडिंग करते करते आपको जहाँ तक आपको शेडिंग करना है, वहाँ तक आपको जो है कम्प्लीट करना है। और जब आप लेयरिंग करो शेडिंग करते समय, आपको क्रॉस शेडिंग तो नहीं करना, मैंने बता दिया है, और आपको ज़्यादा प्रेशर से शेडिंग नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम प्रेशर या फिर उससे भी कम प्रेशर से। अगर आप ज़्यादा प्रेशर से भी शेडिंग कर दो और क्रॉस करो, तो उसके बाद ब्लेंडिंग तो अच्छा स्मूथ टेक्सचर कभी बन ही नहीं पाएगा। तो ये था, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम मिस्टेक नंबर 2 इस पे आते हैं, तो हम सीरियल बाय सीरियल स्टेप बाय स्टेप शेडिंग। तो देखो, हम बिगिनर्स लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम जो है आपको ड्रॉ करते समय सबसे पहले क्या होता है, हम इसके एक स्केच को ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें फेस को ड्रॉ करना है, उसके बाद जो है हेयर्स, उसके बाद हेयर्स के ऊपर कुछ है तो उसको, जैसे कि सबसे पहले है लोग क्या करते हैं, पहले फेस को किसी तरह ड्रॉ किया, उसके बाद हेयर्स स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, पहले ही उन्होंने हेयर्स स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद फेस ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद जो है क्लोथ ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद जो है गले या फिर बॉडी टेक्सचर ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसमें हमारे फिजिकली जो हम इस तरह से देखें, तो हेयर्स स्किन के ऊपर होता है या स्किन हेयर्स के ऊपर होता है, जाहिर है कि स्किन के ऊपर ही हेयर उगता है। और उसके बाद हेयर्स के ऊपर हम मुकुट रखते हैं, जो भी जिस तरह से है, तो हम इस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। और आपने पहले क्लोथ ड्रॉ कर दिया, उसके बाद बॉडी तो ड्रॉ कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत जो है प्रोसेस है। पहले हमें जो है स्किन टेक्सचर ड्रॉ करना है, स्किन टेक्सचर के ऊपर हेयर्स होता है तो हेयर्स को ड्रॉ करना है, उसके बाद हेयर्स के ऊपर मुकुट है तो उसको ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको सीरियल बाय सीरियल ही ड्रॉ करना है। और यहाँ हम क्या करते हैं, कभी कभी ड्रॉ करते समय, मान लो कभी हम यहाँ से स्टार्ट करें, थोड़ा पार्ट हमने यहाँ पे शेडिंग कर लिया, ब्लेंडिंग कर लिया, उसके बाद यहाँ छोड़ के यहाँ पे शेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे भी छोड़ के कभी यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, कभी वहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, बीच में एकदम जो है सीरियली हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है गलत जो है प्रोसेस है ड्राइंग करने का। इससे हमें ज़्यादा बहुत जल्दी ही हमें जो है बोरिंग लग जाएगा, ड्राइंग करते करते हम इधर उधर भागने लगेंगे, थोड़ा सा रुकें उसके बाद ड्रॉ करें, ऐसे नहीं। आपको जहाँ से आपने ऊपर से स्टार्ट किया है, सीरियली आपको एक सीरियल बाय सीरियल आपको ड्रॉ करते जाना है, कहीं वहाँ इधर उधर, ऐसा नहीं। ये आपको समझ में आ गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप लॉन्ग टाइम तक ड्राइंग करते रहना चाहते हैं। लगभग इस तरह से जैसे मैंने कहा, सीरियल बाय सीरियल ड्रॉ करोगे तो 1 घंटे आप नॉन स्टॉप ड्रॉ करो तो भी आपको उतना बोरिंग नहीं लगेगा, जितना आप पहले की तरह जैसे ड्रॉ करते ऐसे करोगे तो जितना बोरिंग लगेगा। तो अब हम मिस्टेक नंबर 3 पे आते हैं, ड्रॉइंग प्रोटेक्शन। तो हम जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐसे आपको डायरेक्ट अपने यहाँ पे शेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हैंड आर्टो के ऊपर ही रख के ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपने यहाँ पे शेडिंग किया है, शेडिंग करते नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे जो है आपका जो आर्टो का ग्रेफाइट आपको पे हाथ में लगेगा, और तो क्या होगा, आपकी जो ग्रेफाइट आप किसी और जगह पे ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे जहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए वहाँ पे भी हाथों का ग्रेफाइट वहाँ लग जाएगा और यहाँ पे वैसा नहीं बन पाएगा, डार्क हो जाएगा। इसलिए आपको इस तरह से भी गलती नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो हैंड के ऊपर इस तरह से आप जो है पेपर ले सकते हो, उसके ऊपर रख के प्लेन पेपर, इसका ब्लैंक पेपर, उसके ऊपर रख के आप शेडिंग करो, आपका आर्टवर्क भी अच्छा रहेगा और आपका हाथ में जो ग्रेफाइट वो भी नहीं रहेगा। अब आएंगे हम मिस्टेक नंबर 4 में। तो मिस्टेक नंबर 4 है, किसी भी जगह से हम ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं, कभी इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, उस तरफ, ऐसा नहीं। आपको जो है हमें कुछ लिखने को आपको दिया जाए तो आप किस तरह से लिखते हो, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से? हम हमेशा कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट तक। इसी तरह हमें ड्राइंग भी इसी प्रोसेस से ही करना है, ना कि इस तरफ से करोगे, इस तरह से ड्राइंग करते जाओगे तो क्या होगा, आप यहाँ तक मान लो ड्रॉ कर रहे हो, तो आपने यहाँ तक अपने शेडिंग कर लिया है और यहाँ आप ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो जो ग्रेफाइट है आपको हाथों में ही लगेगा। तो इसलिए आपको इस तरफ से करोगे
इस तरफ तो ब्लैंक ही रहेगा तब तक जब तक आप अपने सेटिंग नहीं गए, तो सिर्फ से करते जाओगे इस तरह से, और आपका ऑटो भी ख़राब नहीं होगा और आप जैसे जो है सीरियल जो है कंप्लीट कर पाओगे। इसी तरह से हम राइटिंग करते उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करते जाना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक। तो अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5। बहुत ज़्यादा मिस्टेक यही होता है बिगिनर्स के लिए, अगर आप ग्रिड मेथड से ड्रॉ कर रहे हो तो उसके लिए बता दो। तो ग्रिड मेथड से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ग्रिड ड्रॉ करते हैं, उसके बाद शेडिंग आउटलाइन बना के शेडिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिगिनर्स ग्रिड को इतना ज़्यादा प्रेशर से ड्रॉ करते हैं ताकि हम जब हम इसका अगर इरेजर से ऐसे इरेज भी करना चाहें तो भी उसका जो है निशान रह जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। जब आप ग्रिड ड्रॉ करो तो आप हो सके तो HB पेंसिल से या फिर 2B पेंसिल से, और बिल्कुल लाइट लिए ताकि हम आसानी से जो है इसको इरेज कर सकें। या फिर इरेज भी ना करना हो तो हम जो है इसके ऊपर शेडिंग करें, शेडिंग करने के बाद जो ग्रेफाइट का लाइंस है वो शेडिंग में ही घुल मिल जाए। इस तरह से आपको जो है ग्रिड ड्रॉ करना है, और इसके बाद ग्रिड कंप्लीट होने के बाद ऑटो कंप्लीट होने के बाद साइड में जो ग्रिड है वो आप इरेज कर सकते हो। और फेस में जो है यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ग्रिड बनाया था उसके बाद सेटिंग किया था। यहाँ पे फिर सेटिंग ग्रिड बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कभी इरेज नहीं किया है ग्रिड को, अपने आप ही ग्रिड जो है सेटिंग में ही घुल मिल गया है, एकदम ब्लेंड हो गया है। इसलिए आपको लाइटली ग्रिड ड्रॉ करना है। तो यही था जो टॉप 5 जो है मिस्टेक्स हम बिगिनर्स का जो सेटिंग में करते हैं। तो ये सब आप आई होप आप लोगों ने जो है जो भी कुछ मैंने जो है मिस्टेक्स बताया है आप उन सबको ठीक करना जो है चाहोगे। तो ये आपका सवाल है तो मुझे बताना, और ये वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट जो है किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो बाय बाय, जय सियाराम।